कुछ इस तरह की गलियां भाई यहाँ सियाम रीप की आप देख सकते हो, काफी टूरिस्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो भाई बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल भाई ये मेन्यू देख लो आप, यहाँ पे भी प्राइजेस जो है ना वो रियाल में ना देके यूएस डॉलर में दिए हुए हैं सारे। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये चीज अनमोल भाई, आप इतने देशों में जाते हो, ड्राइविंग ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे मतलब लेफ्ट राइट होती रहती है, तो कैसे मैनेज करते हो? और अभी देखना पूरा सुनसान, जैसे कर्फ्यू लगा हो शहर में। लेकिन एक चीज है भाई, यहाँ नोटिस करी है मैंने, जितने भी स्पीड लिमिट होती है ना लोग उसको जरूर फॉलो करते हैं। ऐसे टुक टुक बहुत है भाई यहाँ पे। और कौन सी कंपनी के? पियाजियो के। 15 से 20 लाख लोगों का मर्डर किया गया था, तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल थे उस टाइम पे। तो भाई तो जैसे ही आसपास से कोई बोट जाती है ना, सारे अपना अपना इंजन बंद कर लेते हैं, क्योंकि ना इंजन ऑन करने के बाद छींटे बहुत उड़ती है। और ये सब लोग ना भाई गांव के ही लोकल लोग हैं जो इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं अपनी अपनी बोट में। ये देखो ये क्या भाई, मछलियां है क्या ये इतनी सारी? ओ भाई साहब देखना कितनी सारी मछलियां। और हो सकता है भाई इन पानी में मगरमच्छ भी हो। बीच में एक स्कूल भी आया था, सोचो बच्चों को यहाँ पे पढ़ने जाना होता है तो भाई लिटरली हर रोज बोट से जाते हैं वो पढ़ाई करने प्राइमरी स्कूल में। ये देखो भाई लिटरली लोगों के घर कैसे इतने बड़े पानी के बीच में, मतलब एक लौता घर ऐसे है, और सबके पास अपनी अपनी बोट्स है ताकि वो शहर तक जा सके। भाई मेरे दोनों ही आईफोन 15 प्रो मैक्स ना पानी में जब हम बीच पे लेकर गए थे तब से इसके पोर्ट में दिक्कत आ रही है चार्जिंग वालों में। कभी चार्जिंग नहीं लेता, कभी हमारा जो वायरलेस माइक है डीजे का वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाता, बीच बीच में ऑडियो छोड़ रहा है। तो 3-4 दिन से भाई बहुत दिक्कत आ रही है ऑडियो क्वालिटी को लेके। इस तरह का भाई डिवाइस है, बिल्कुल ऐसे छोटू सा देख रहे हो आप, मस्त एकदम पॉकेट 3 है ये। अपना कैमरे की स्क्रीन भी लगी हुई है, बस चार्जिंग हो इसमें 90% है, चलो चल जाएगा काम आज। सबसे अच्छी बात इसके साथ ना माइक मिलता है भाई, ये देखो। तो ये माइक डीजे वाला माइक है, पर ये वायरलेसली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। पहले तो मैं ट्राई करूंगा इस माइक को आईफोन से कनेक्ट करने के लिए, क्या पता ब्लूटूथ से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, फिर तो अपना काम बन जाएगा, ओस्मो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर नहीं हुआ कनेक्ट तो फिर जरूरत पड़ेगी। तो भाई नहीं हो पाया जुगाड़, ढंग से कनेक्शन हो नहीं पा रहा, मतलब जो आईफोन की इनबिल्ट वाली ऐप है ना वो काम नहीं कर रही है उस माइक के साथ, अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ रही है, जो मुझे कुछ खास लग नहीं रही। तो मैंने ये ओस्मो पॉकेट ही निकाल लिया, मस्त है भाई। अगर तो भाई पसंद आ गया ये तो फिर आगे से जितने भी व्लॉग्स है इसी से हुआ करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी। अब या तो ये व्लॉग पूरा बर्बाद होएगा या फिर बहुत ही मस्त बनेगा, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही है वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी, लॉक कर दो चलो। ये देखो भाई कुछ इस तरह का सेटअप है, नीचे मैंने इसकी एक्स्ट्रा बैटरी लगा ली ताकि ये चार्ज भी होता रहे साथ साथ ही। और मस्त है भाई, फेस ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ है, मैं जैसे जैसे घूमूंगा ये गिम्बल भी इसका वैसे ही घूमेगा। और छोटा सा डिवाइस है ना, तो रस्ते में इतनी ज्यादा नजर में भी नहीं आता। तो चलो आज का पूरा दिन इसी से व्लॉग करके ट्राई करते हैं। इसका ये जो नॉर्मल वाला लेंस है ना, मेरे ख्याल से ये इतना ज्यादा वाइड नहीं है, आईफोन का लेंस ज्यादा वाइड था, बट ठीक है ओवरऑल क्वालिटी मुझे तो काफी सही लग रही है भाई। लेट्स गो, आज चलते हैं गिम्बल से स्मूथ शॉट लेते हैं। बाकी यार एक और नया दिन एक और नई जर्नी, आज है 7 अप्रैल 2024, मैं हूँ अभी कंबोडिया के एक खूबसूरत शहर सियाम रीप में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया भाई वैसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहना। बाकी कंबोडिया एज अ कंट्री की बात करें तो भाई वर्ल्ड रैंकिंग में ये लैंड एरिया वाइज 90 नंबर पे आती है, मतलब आप गैस कर ही सकते हो भाई ज्यादा बड़ा देश नहीं है। इसके आसपास के देशों की बात करें तो वो है भाई थाईलैंड लाओस वियतनाम, तो ये 3 देशों से घिरा हुआ है। वैसे लैंड एरिया की बात करें तो भाई टोटल जमीन है यहाँ पे 1,81,000 स्क्वायर किलोमीटर की, जिसमें टोटल भाई 16.7 मिलियन लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन भी वैसे इतनी बड़ी नहीं है कुछ। बाकी सिटीज़ की बात करें तो भाई कंबोडिया की कैपिटल है फेनोम फेन, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सियाम रीप जहाँ पे अभी मैं हूँ। कैपिटल सिटी में टोटल भाई 2.2 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 22 लाख लोग, और सियाम रीप की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 2-2.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं यहाँ सिर्फ। कुछ इस तरह की गली है भाई यहाँ सियाम रीप की आप देख सकते हो, काफ़ी टूरिस्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो भाई बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ज़्यादातर टूरिस्ट आपको ऑस्ट्रेलियन इंडियंस या ये थाईलैंड वगैरह के ही देखने को मिलेंगे, उधर यूएस वगैरह से भी आते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स, पर इतने नहीं आते जितने ये ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जस्ट साथ में ही है ना भाई, ज़्यादा दूर बचा नहीं है अब ऑस्ट्रेलिया। ये देख लो भाई ये ट्रैवलर्स भी है शायद से, तो उसी हिसाब से भाई मतलब जनता आपको यहाँ पे फॉरेनर्स की ज़्यादा दिखेगी। थाईलैंड में तो क्या था, स्पेशली बैंकॉक पटाया में आपको इंडियंस इंडियंस दिखते हैं, लेकिन कंबोडिया में इंडियंस आते हैं उतने नहीं आते जितने थाईलैंड में आते हैं, तो इसलिए फॉरेनर्स की जनसंख्या या टूरिस्ट की जनसंख्या यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है भाई। अच्छा वैसे कंबोडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो है भाई खमीर, KHMER,
और वैसे लोग यहाँ पे भाई लाओस वाली लैंग्वेज, वियतनामीज या थाई लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है आसपास के देशों से ना यहाँ पे। और रिलीजन की बात करें तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे अराउंड 90% से भी ऊपर बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। एंड यही रीज़न है कि भाई इस देश में ना आपको काफ़ी बुद्धिस्ट टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। इवन एक बहुत ही बड़ा मतलब टेम्पल है, आपने सुना होगा, अंकोर वट, तो वहाँ हम कल जाएंगे, आपको दिखाएंगे, वो भी भाई सियाम रीप कंबोडिया में ही है। ये देखो भाई शाही ताज इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत है इंडियन रेस्टोरेंट तो भाई भर भर के हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ भाई इस तरह के मसाज सेंटर भी काफ़ी बने हुए हैं पूरे ही शहर में, तो आपको ना तो खाने से रिलेटेड दिक्कत होएगी, ना ही मसाज करवाने से रिलेटेड दिक्कत होएगी कुछ। बाकी यार करेंसी की बात करें तो इनकी ऑफिशियल करेंसी है कंबोडियन रियाल, रियाल रियल जो भी बोलते हैं उसे, लेकिन ना मेजोरिटी जगहों पे डॉलर्स भी यहाँ एक्सेप्ट होते हैं, यूएस डॉलर। फॉर एग्जांपल भाई ये मेन्यू देख लो आप, यहाँ पे भी प्राइजेस जो है ना वो रियाल में ना देखे यूएस डॉलर में दिए हुए हैं सारे। तो हमारे पास वैसे तो यूएस डॉलर है, बट स्टिल हम करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, क्या रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सामने आई गई है बस, ये लिखा हुआ मनी एक्सचेंज, और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूटर वूटर भी मिल रहे हैं रेंट पे। एक्सचेंज दिख तो नहीं रहा, हेलो मनी एक्सचेंज, ओके ओके थैंक यू। चलो भाई इनके पास तो नहीं है, वैसे तो बहुत एक्सचेंज सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो ऐसा जितनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को मिल जाएगा। तो अभी तो भाई फ़िलहाल हम यहाँ आए हैं मून चाइल्ड कैफ़े वोफल्स खाने के लिए ब्रेकफास्ट की तरह, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। ऑलमोस्ट खाली पड़ा। हेलो डू यू हैव न्यूटेला वोफल? ओके ओके देन वन प्लेन वोफल विद चॉकलेट सॉस, ओके नो प्रॉब्लम। बाकी भाई पेस्ट्रीज केक्स पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है इनके पास। अभी तक भाई मुझे फ्रंट मोड में तो अच्छा लग रहा है इसका रिस्पॉन्स, लेकिन जब मैं रिवर्स करके सामने के शॉट लेता हूँ ना तो गिम्बल स्टेबिलाइज करने के चक्कर में ढंग से एंगल नहीं बना पा रहा। मुझे आईफोन की आदत है कि एक झटके में यूँ कर दो एक झटके में यूँ कर दो, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है वो। बाकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो भाई 4K में बहुत तगड़ी क्वालिटी दे रहा है सोहन, देख रहे हो चमक रहा है। यहाँ पे आइसक्रीम आ गई है अपनी भाई न्यूटेला आइसक्रीम, और एक साथ में वोफल लिया है, वो भी थोड़ी देर में आता ही होगा बस। अगर लाइट का सोर्स आपके सामने है तो अच्छी क्वालिटी देता ही है भाई, लेकिन अगर लाइट का सोर्स मेरे पीछे है तो देखो धीरे धीरे ना ये एडजस्ट कर लेगा और क्वालिटी को बढ़िया कर देगा बैकग्राउंड ब्लर करके। ये चीज़ आईफोन इतना अच्छे से नहीं कर पाता, देख रहा हूँ तो है भाई क्वालिटी में तो दम है कुछ तो। 2 किलो वोफल आ गया अपना, न्यूटेला तो था नहीं इनके पास वोफल में, तो चॉकलेट सिरप के साथ दिया है। बाकी आइसक्रीम तो हम चट कर गए, थोड़ी सी बची हुई है अब यही खाते हैं साथ में। भाई दोपहर के टाइम तो यहाँ लिटरली पूरा ऐसा ना सुनसान सा हुआ पड़ा एरिया, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है ना, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुले हैं लेकिन जितनी भी वैसे दुकानें वगैरह ये देखोगे ना इधर सब बंद पड़ी है भाई, लिटरली सब, कोई रोड पे दिख ही नहीं रहा, ज़्यादा लोग है ही नहीं यहाँ पे कहीं। और वैसे देखा जाए तो भाई सही भी है, मतलब इतनी गर्मी में कोई जब बाहर निकल ही नहीं रहा तो ये बेचारे भी दुकान खोल के क्या करेंगे, बेटर है अपना शाम को ही खोलो जब काम ही सारा उस वक्त आना है, तो वही है 4-5 बजे खुलता है। बट आज हम जाने वाले हैं भाई फ्लोटिंग मार्केट में, फ्लोटिंग विलेज है एक्चुअल, मार्केट नहीं, बहुत फेमस है यहाँ से, लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो वहाँ चलेंगे आपको भी दिखाएंगे भाई, क्योंकि सियाम रीप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है इतना, एक अंकोर वट टेम्पल्स वगैरह वो हम कल कवर करेंगे जितने टेम्पल हो सकेंगे, और एक अपना पब स्ट्रीट और नाइट मार्केट है वो हम रात को कवर कर ही लेंगे। तो मैंने कहा दिन का टाइम जो है वो यूज़ करा जाए अपना फ्लोटिंग विलेज में जाने के लिए, ताकि जब तक वहाँ पहुँचे तो शाम हो जाए और ये धूप भी ख़त्म हो जाए। कपड़े वपड़े मिल रहे हैं भाई $1 के, मतलब 80 रुपये की टी शर्ट है, 80 रुपये के ऐसे टॉप वगैरह लड़कियों के, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो भाई बढ़िया यार, मतलब इतना महंगा नहीं लगा मुझे, अच्छा लगा ये सिटी। आप आ सकते हो यहाँ पे 1-1.5 हफ्ता अपना बिताओ, मस्त मज़े करो खूब। ये देखो जो ये स्ट्रीट में ऐसे रेडी लेके घूमते हैं ना, इन्होंने भी पूरा अपना सर मुंह अच्छे से ढक रखा है गर्मी की वजह से, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है। अभी ये आपको पूरी रोड ना सुनसान लग रही होगी पब स्ट्रीट के आसपास का ये एरिया, बट ये भाई शाम होते ही ना मतलब 6:30 के बाद ऐसी भीड़म भीड़, कल आपको दिखाई था मैंने ब्लॉग देखा होगा आपने भाई, अंधे लेवल की भीड़ हो जाती है, लोग ही लोग आ जाते हैं अचानक से, जैसे आसमान से टपक गए हो। और अभी देखना पूरा सुनसान, जैसे कर्फ्यू लगा हो शहर में। एक तो हम आए भी तो भाई अप्रैल के महीने में है जब पीक गर्मी चल रही, पीक गर्मी तो खैर जून जुलाई में आएगी, पर इस टाइम भी बहुत गर्म है, बैंड बज रही है चलने में। बाकी भाई कंबोडिया को ना इंडिपेंडेंस मिली थी 9 नवंबर 1953 में फ्रांस से, तो कितने साल हो गए आप गिन लेना, तब से आज़ाद है ये देश। ऐसे टुक टुक बहुत है भाई यहाँ पे, और कौन सी कंपनी के, पियाजियो के, ग्रैब में भी चलते हैं ये, एंड ये रिक्शे टाइप के भी है भाई, बाइक को आगे से जोड़ के बना रखा है, नो थैंक यू। बाकी ये देखो मर्सिडीज़, नकली मर्सिडीज़ है हालांकि, बट बना तो रखा है। और वो आ गया सामने भाई अपना होटल, ये रहा, इसी के नीचे अपनी खड़ी है गड्डी,
तो देखते हैं भाई कहाँ चलते अपना। ओ भाई साहब छाँव में आके इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ। बस अभी प्रॉब्लम क्या भाई, हम ये गाड़ी को लेकर जा तो रहे हैं बट ये होटल वालों के पास ना दो ही गाड़ियों की पार्किंग है, और एक तो अभी खाली है गए हुए भाई साहब, और दूसरी ये में हमने लगा रखी थी। अब पंगा ये है कहीं हम चले जाए और पीछे से फिर दोनों पार्किंग ही फुल हो जाए, तो थोड़ी सी वो दिक्कत की बात लग रही है भाई, पर कोई नहीं, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। अच्छा सर बताना तो भूल ही गया भाई एग्जैक्ट जा कहाँ रहे हैं। तो जी जगह का नाम है कोम्पोंग खिलैंग फ्लोटिंग विलेज, अराउंड 51 किलोमीटर है, 1 घंटा 8 मिनट दिखा रहा है, 3 बजे है, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, 4:30 तक अपना सनसेट वहीं देखेंगे और बोटिंग वोटिंग करके जो होगा वहाँ पे एक्टिविटीज वो करके वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो चलो शहर तो भाई काफी बड़ा है, मतलब आप पैदल नहीं घूम पाओगे, थक जाओगे और गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। तो अपना टुक टुक वगैरह रेंट पे ले सकते हो जहाँ जहाँ आपको जाना है, क्योंकि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, देख रहे हो सैमसंग वैमसंग के भाई सारे स्टोर है यहाँ पे, तो मतलब कोई भी फैसिलिटी से दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको। बढ़िया है यार, मतलब ऐसे ना मेरे को शहर इस टाइप के काफी पसंद आते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ी पॉपुलेशन रहती हो, चहल पहल हो, सब चीजें आसपास मिल जाए, इंडियन रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी भर भर के हैं यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होती फिर एज अ टूरिस्ट रहने में ना। अब देखो इतने दिन थाईलैंड में उल्टी गाड़ी चलाई थी ना, मतलब इंडिया के हिसाब से तो सीधी गाड़ी चलाई थी, बट यहाँ पर आते ही भाई 15-20 मिनट की कंफ्यूजन होती है, उसके बाद वापस से दिमाग सेट हो जाता है कि कैसे चलानी है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये चीज अनमोल भाई, आप इतने देशों में जाते हो ड्राइविंग ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे मतलब लेफ्ट राइट होती रहती है, तो कैसे मैनेज करते हो। सब दिमाग का खेल है भाई, 15-20 मिनट में मेरा दिमाग ट्रेन हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं मर्जी चला लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखो बेचने वाले लोग जो है वो ऐसे स्ट्रीट लाइट पे ही आके जो है वो सेल करते हैं गाड़ियों में, बट जैसे कि मैंने कल बताया था थाईलैंड में कि जबरदस्ती नहीं करते लोग, थाईलैंड में था कंबोडिया में था, कंबोडिया में ही था ना, मतलब जबरदस्ती नहीं करते लोग, अपना आराम से पूछते अगर लेना ले लो, नहीं लेना नहीं लो, वरना तो भैया लोग चढ़ जाते हैं गाड़ी पे शीशे ऐसे थप थप करने लग जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है वो। होटल देखना भाई साहब कितना मस्त लग रहा है, पूरा ऐसे विंटेज टाइप का इनका, पुराने जमाने के उसमें होटल ही है शायद जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं। लेकिन एक चीज है भाई यहाँ नोटिस करी है मैंने, जितने भी स्पीड लिमिट होती है ना लोग उसको जरूर फॉलो करते हैं, मतलब 60 किया तो भाई लिटरली 60 के अंडर अंडर ही चलाएंगे, भले आगे गाड़ी पूरा मतलब रोड पूरी की पूरी खाली पड़ी हो, लेकिन फिर भी नहीं भगाते, 60 की स्पीड में चलाए रखेंगे। और दूसरी चीज भाई, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल ही नहीं ऐसे कि भिड़ा भिड़ा के चले। देखना भाई कितना रह गया, टोटल रह गया भाई 40 कितना 31 किलोमीटर रह गया है। अब ले रहा है भाई देखो रेंजर वाला ओवरटेक इतनी देर से, वरना स्लो 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 चल रहा था। होता क्या है ना, जब भी कोई ऐसे विलेज आता है या छोटा सा शहर आता है तो उस टाइम पे स्पीड लिमिट गिर जाती है, तो वहां पे आपको स्लो चलाना पड़ता है, भगा नहीं सकते आप। हालांकि पुलिस वुलिस मुझे दिखी नहीं अभी यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस कोई भी अगर दिखेगी तो आपको दिखाएंगे और उनसे बोलेंगे भाई सब जरा आना पास में, चलान मत काटना बस। भाई बड़ी ही फनी चीज दिख रही है लाइन से, देखना लोग डंडिया लेके खड़े हुए हैं, ये देखो भाई लाइन से, भाई पीछे भी कम से कम 15-20 लोग थे, ये कुछ तो बेच रहे हैं बैम्बू के अंदर ना, क्या चीज है पता नहीं, देखे क्या रुक के एक बार, ये कुछ ज्यादा फेमस लग रही है, देखना भाई लाइन से, लिटरली लाइन से लगे पड़े हैं इतनी गर्मी में बैम्बू लेके, ये देखो अरे भाई साहब क्रेजी, रोक ही लेते यार एक, चलो आओ देखते हैं क्या चीज है भाई, क्या है, व्हाट इज दिस, क्रोलांग, व्हाट्स दैट फॉर ईटिंग, भाई सब कुछ तो है ये देखना लकड़ी का, क्रोलांग बोल रहे हैं पता नहीं क्या, देखते हैं। ये देखो भाई बैम्बू जैसा है कुछ, बैम्बू के अंदर इन्होंने कुछ डाल रखा, बस कुछ उठपटांग ना हो भाई, मेरे को तो गन्ने जैसा लग रहा है, सेम सेम थोड़ा पूरा छिल तो वैसे ही रहे, ये गन्ने ही है मेरे हिसाब से तो, ओ गन्ने के अंदर कुछ डाल रखा भाई इन्होंने, दिस इज वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वेट वेट ट्रांसलेट करके पूछना पड़ेगा भाई, कहीं कुछ हो उल्टा, फ्रूट ही है बीच भी तो है अंदर, वेजिटेरियन वो, नो मीट, नो मीट, नहीं वेट वेट वेट
नो मीट मीन्स नो ओके क्या तो रे भाई चलो ट्राई करते हैं हाउ मच चा नहीं हाउ मच मनी हाउ मच मुरेल चा हाउ मच टाइप $1 $1 ओके भाई यूएस डॉलर में ही बताता है हर कोई प्राइस तो $1 कैसा ही है तो इन्होंने देखना ये काले काले तो बीन्स लग रहे हैं भाई राजमा जैसे हाँ यार अच्छा ये देखो यहाँ से दिख रहा है आपको चावल डले हुए भाई इसके अंदर चावल का ऐसे वो कुछ पेस्ट सी बना रखी है और बीच में राजमा डाले हुए हैं काले राजमा सही है टेस्ट दे दो $1 गुड थैंक यू लगभग मतलब 85 रुपीज हाउ मच खुद ही ले लेंगे भाई हमें तो यहाँ की करेंसी का थोड़ा पंगा पड़ रहा है अभी समझ नहीं आया अच्छे से हमें ओके थैंक यू सो मच बाय चलो भाई एंड ये है अपना कुछ मटेरियल बढ़िया चीज बना रखी है ये भी तो छील लो फिर खाना नाइस यार नाइस ट्राई करो अरे ट्राई तो करो मक्खी भूख नहीं ट्राई करने को बोला है तुम्हें मजा आ जाए तुम्हें ऐसा लगे स्वर्ग आ गए हो तुम खुद को नहीं खाना हो ना तो पकड़ा दिया करो खाऊंगा तो सही मैं है ना ठीक ठाक है क्या है ना इसमें चलो बढ़िया टेस्ट सोहन ने कह दिया बहुत ही औसम है इतना टेस्टी इसने आज तक कोई चीज खाई नहीं है चलो बाय तो पिछली कुछ देर से भाई सारे बस यहाँ पे गांव ही गांव आए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी कबीले में आ गए हो वैसे भाई कंबोडिया की हिस्ट्री की बात करें ना तो काफी डार्क हिस्ट्री रही है इनकी अराउंड 1975 से लेके 1979 के बीच में ना अराउंड 15 से 20 लाख लोगों का मर्डर किया गया था तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल थे उस टाइम पे तो भाई ये देखो भाई इतने जरा जरा से वो आ रहे है गाँव मतलब कितनी पतली सी रोड है हालांकि रोड बनी तो बहुत मस्त हुई है कहीं पे भी गड्ढे वड्ढे नहीं है इतने पर दोनों तरफ भाई वो झुग्गी झोपड़ी टाइप के ही घर बने हुए पक्के घर नहीं है ये गांव देख के याद आया भाई एक्चुअल में जो कंबोडिया के लोग है ना अगर एवरेज देखा जाए तो भाई मंथली सिर्फ $100 कमाते हैं एवरेज बोल रहा हूँ मैं ये हर कोई नहीं $100 का मतलब वो सिर्फ 8,500 रुपए मंथली एवरेज यहाँ की इनकम है लोगों की बट इंटरेस्टिंग चीज ये है भाई जब भी इनका फ्यूनरल होता है ना यहाँ पे मतलब कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो पूरा प्रोसेस ना भाई 49 डेज तक चलता है सोचो और उसमें अराउंड $9,000 लग जाते हैं मतलब मोटा मोटा भाई 8 से 9 लाख रुपए फ्यूनरल पे लगाते हैं यहाँ के लोग और ये सारे पैसे जो है वो सेविंग से इकट्ठे किए जाते हैं जितने भी मतलब रिलेटिव्स वगैरह होते हैं तो किसी का फ्यूनरल होता है तो सब लोग जो है वो पैसे देते हैं तो गरीब तो मतलब क्या गरीबी वैसे तो नहीं कह सकते बट हाँ अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो उस हिसाब से तो भाई इतना कुछ खास अमीर देश नहीं है ये स्टिल यहाँ पे फ्यूनरल पे $9,000 खर्चना बहुत बड़ी बात है और अभी भी ये बोला जाता है कि काफी मिलियन लैंड माइंस अभी भी जमीन के अंदर है वो भी एक्टिव भाई तो उनको जो है वो काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढूंढ रही है कंट्री साइड से जैसे कि ये जो गांव वाले एरिया है और उनको निकाल के फिर डिस्पोज किया जा रहा है और सोचो भाई एक्चुअल में रियल लैंड माइंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कहीं पे तो हम तो रोड पे चल रहे हैं सेफ है भाई पर किसी खेतों में या कोई ऐसे ही वीरान जमीन पे कहीं भी लैंड माइन फट सकती है देखो ये वाला गांव आया इसमें घर ना सारे जमीन से उठा के बनाए गए हैं अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है ऐसी लोगों ने खाली स्पेस छोड़ रखा है और सारे के सारे घर भाई ऊपर बने हुए लकड़ी से वो भी तो ये गांव पूरा का पूरा भाई ऐसा ही है सेम मतलब लेफ्ट में देख लो घर चाहे राइट में देख लो सारे के सारे घर डिट्टो सेम है भाई कुछ कुछ लोगों ने कवर कर रखा है नीचे की फ्लोर को भी पर जनरली सबने घर ऊपर बना रखा है और नीचे ऐसे खाली है बच्चे मटक रहे हैं रोड पे ही वही सुनसान पड़ा भाई इतनी भीड़ भाड़ नहीं है दोपहर के टाइम अब शाम जैसे ऐसे होएगी तब निकलेंगे लोग ये देख लो भाई सेम घर भाई डिट्टो पता नहीं क्यों बना रखे है ये कोई यहाँ पानी वानी आ जाता है क्या बाढ़ वाड़ इसलिए शायद हो सकता बनाया ऊपर करके भाई मैंने अभी देखा एक्चुअल में हम पहुंच गए हैं भाई 700 मीटर रह गया तो ये वही विलेज है जहाँ पे हम आए हैं इसलिए घर ना उठे हुए है क्योंकि फ्लोटिंग विलेज ही है इसका नाम और यहीं पे एक क्रोकोडाइल फार्म भी है तो वहां भी चलेंगे आपको कुछ मगरमच्छ दिखाएंगे हाँ भाई मेरे रेडियो मिलने के लिए दोस्तों से अपनी बिरादरी से चलो जी कहाँ पे है क्रोकोडाइल फार्म इधर की साइड है बोर्ड तो लगा है पहले चलो ये देख आते हैं भाई बोट वोट कहाँ मिलेगी क्योंकि लेफ्ट में मेरे है तो रिवर
बट वो सूखा पड़ा भाई पानी इस टाइम पे, तो ऐसा ना हो कि इतनी दूर रात हो गए पोपट हो जाए वो बोटिंग ही ना कर पाए, फिर तो खाली क्रोकोडाइल विलेज ही देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भाई? उन्होंने आगे का बोला था ना कि इससे आगे कुछ और है। हाँ वही देख रहे अभी जाके पता करते हैं, अगर वरना किसी लोकल से नहीं मिलता तो कुछ। गांव तो बहुत बड़ा वैसे ये देखा जाए तो। लेट्स गो भाई। यहाँ पे तो भाई होम स्टे भी बने हुए हैं और ये सिटी का नाम है, सिटी कह रहा हूँ विलेज का नाम है। ये देखो सारे घर भाई एक जैसे रंग की छत है सबकी भाई साहब। बोट ये क्या, ये तो नहीं है टेम्पल लग रहा है कुछ। बोट पूछते हैं भाई लोकल से पूछते हैं क्योंकि लोकेशन तो खत्म हो गई है यहाँ पे, बट हमें कहीं भी बोटिंग करने का कुछ दिखा नहीं। बोट बोट बोटिंग 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 या नो वाटर वेट दिस साइड ओके ओके थैंक यू बता तो रहे भाई इधर की तरफ है। रस्ते तो अंदर गाँव के तो बने नहीं हुए भाई, सारे कच्चे रस्ते ही है मिट्टी वाले। अब इन्होंने जहाँ बताया वहीं जा रहे हैं हम। अरे हाँ पानी तो है इधर, ये बोट्स वोट्स खड़ी भी है छोटी छोटी, मेला लगा हुआ है यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ट्रैक्टर देखना भाई कैसा है ये छोटा सा आगे, आए हाय हाय भाई साहब देख रहे हो। वो पूरा मार्केट जो है, मार्केट का विलेज मतलब, वो पूरा का पूरा फ्लोटिंग विलेज है पानी के ऊपर। और अब बोट राइड कहाँ से चलेगी, दुकानें तो बहुत है भाई यहाँ पे ना खाने पीने की। ये देखो आम आम मिल रहे हैं भाई साहब, रास्ता तो बड़ा। ओए भाई देखना यूं हो रखी है स्कॉर्पियो अपनी पूरी। ओए होए होए तो वहां कहीं पे चल रही है शायद, बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई खिड़की खोलते ही। ये खड़ी है भाई छोटी छोटी बोट्स, और मेरे ख्याल इसी ब्रिज से जाना होगा बोट में। पानी तो बहुत गंदा हो रखा है यार, देखना काला या ब्राउन हो रखा है पूरा। वही है ना ये सीजन नहीं है इनका, मतलब इस टाइम पे क्या कहते हैं पानी वानी बारिश वारिश नहीं पड़ रही ना, इसलिए एक ये छोटा सा ब्रिज है इस पर से जा सकती है गाड़ी, अलाउड नहीं है शायद। नहीं जा रहा भाई कोई गाड़ी वाला, छोड़ो टू व्हीलर ही है सारे। तो लगाते हैं भाई यहीं गाड़ी को, और ये जो इतनी सारी बोट्स खड़ी है इनमें से एक प्राइवेट बोट पकड़ते हैं और फ्लोटिंग विलेज का पूरा नज़ारा लेते हैं। यहाँ लगी हुई है दो चार गाड़ियाँ, इधर ही कहीं पार्किंग कर देते हैं गाड़ी की और फिर उसके बाद चलेंगे। खाने पीने की बड़ी स्टॉल्स लगे हुए भाई यहाँ पे। तो ये जनाब आए हैं, इनकी बोट है भाई, तो इनसे बात कर रहे हैं हम कितने में देते हैं देखे। पहले तो ये बता रहे थे $20 एक बंदे के, तो दो बंदों के $40 बहुत ज़्यादा होते हैं जोकी के। हमें किसी ने बताया था आज दोपहर को कि पूरी बोट मिल जाएगी $15 से $20 में, मतलब हम दोनों के लिए $20। तो लेट्स सी मानते हैं नहीं मानते हैं ये उसी हिसाब से फिर। यस या हाउ मच? $26 फॉर वन बोट फॉर बोथ राइट? हाउ मच लास्ट? $2 नो 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 लास्ट डिस्काउंट डिस्काउंट $26 गुड प्राइस द सेम टू समवन टोल्ड अस $15 15 या फॉर टू पर्सन नो देन लास्ट हाउ मच 20 26 लास्ट 20 नो 20 26 द सेम टू गुड प्राइस For 2 hours? Yeah, 2 hours. And full market? Full village tour? Full village? Floating village. Yeah, complete village, right? Yeah. Okay. And full boat, V2 yeah, only? Boat, yeah, one boat, private boat. Private boat. Yeah. Okay, then let's go. You can see sunset in the lake. Okay. It's good. या लेट्स गो। तो भाई $26 में मान गए हैं, ये प्राइवेट बोट होएगी जिसमें हम दोनों ही होंगे सिर्फ, जो कि सही है। और सनसेट भी दिखा के लाएंगे लेक में ही। 2 घंटे का पूरा टूर है जिसमें पूरा फ्लोटिंग विलेज दिखाया जाएगा। चलते हैं भाई। ये देखो भाई कुछ इस तरह का विलेज है ये पूरा का पूरा भाई, देख सकते हो। और ये भाई साहब है जो हमें लेकर जाएंगे। ओके टिकट दे रहे हैं ये। हाँ टिकट कूपन ओके 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 वी हैव टू पे नाउ और आफ्टर ओके। तो अभी पे करने एडवांस में, ये पर्ची सी दे दिया भाई इन्होंने। इनके पास दे दो ना, छुट्टे होंगे इनके पास। 20-20 के 2 है। हाँ तो ये 6-14 वो दे देंगे अपने को। व्हाट्स योर नेम? Sain. Yeah. Sain naam hai inka ji. Okay. And your? Khon-khon-ti. Khon-khon-ti? Yeah. Khon-khon-ti. Thank you. Chalo ji. Lock kar di gaadi? Aajo ji. Chalo ji, chalo. Tour shuru karte hain. Okay, okay. Naam Tevir. Tevir? Yeah. Tevir, okay. So, ye janab hai ji. Tevir ke naam se. Ye hume tour karwayenge pura ka pura aaj. Aur ye agent hi hai. Matlab, piche jo the, unhone हमें रोका, हमसे बात करी। और होगा उनका भी कोई कट, अगर शायद हम इनसे डायरेक्टली कर लेते तो और डिस्काउंट मिल जाता।
पर ठीक है, अब $2-4 के लिए क्या फालतू की गिरी करनी है ना, क्योंकि भाई 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, ये कह रहे 2 घंटे का है, तो 7 बजे तक लेकर जाएंगे ये, और 7 बजे प्रॉपर अंधेरा हो जाता है, फिर हमें यहाँ से जाना भी है वापस 1.25 घंटा लगेगा, तो मोटा मोटा कितना भाई, 8:30 बजे पहुँचेंगे सियामरी। देखो इस तरह की बोट्स है ये काफ़ी सारी यहाँ पर, ब्लू कलर वाली ब्राउन, हमें जाना है इस वाली ब्राउन में, तो थोड़ा ध्यान से भाई, नीचे पानी है क्योंकि लेट्स गो दैट साइड। ओके भाई वो वाली बोट है, दिस बोट, हाँ अच्छा ये वाली बोट में जाना है भैया, लेट्स गो। चलो जी कहीं भी बैठ सकते हैं भाई, ये पूरी की पूरी बोट अपनी है, प्राइवेट देख सकते हो आप। ये देखो भाई ये इनका स्टेयरिंग है, ये बैठने का है, ब्रेक ब्रेक लगाने का पूरा सिस्टम, तो यहाँ पर ये बैठ के चलाएंगे। इफ यू एंजॉय द ब्रो टूर प्लीज सपोर्ट अस बाय टिप फॉर बोट ड्राइवर इफ यू नो लव। ठीक है जी ओके। नेचर वाइज तो अच्छे लग रहे हैं भाई ये जो बोट ड्राइवर है, बाकी ट्रिप खत्म होने के बाद पता चलेगा, तो इनको भी दे देंगे भाई थोड़ा बहुत जाने के बाद। इस तरह का ये इंजन है भाई जो अभी ये स्टार्ट करेंगे, डीजल से ही चलता होगा शायद से भाई, काफी पुरानी टाइप की बोट्स है ये भी, आप देखोगे ना काफी पुरानी है बोट, भाई साहब खड़े हुए हेलो। सही है वैसे, कितने लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10-12 लोग बैठ सकते हैं पूरी बोट पे, बट ऑब्वियसली जब इतने टूरिस्ट हैं नहीं तो फिर वो नहीं बैठेगा, अगर आप ग्रुप आ रहे हो ना बड़ा तो सही है भाई, $26 में पूरी बुक कर लो अपना 10-12 लोगों की, तो बहुत कम पड़ेगा पर पर्सन, बट हम 2 ही लोग हैं तो इसलिए $13 चलो भाई। अब ये इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, कर दिया लेट्स गो, अब हम निकलेंगे आगे। लो जी लो चल पड़ी है अपनी सवारी, कितनी भिड़ा भिड़ा के लगा रखी है भाई बोटे, देखो कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा बाकी $26 इंडिया के 2000 रुपए के आसपास बने, 2000-2100 रुपए आसपास, एंड जब टूरिस्ट आता होगा ना यहाँ पीक सीजन में मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर के आसपास, तब यहाँ भीड़ बहुत होती होगी, बट इस टाइम पे तो भाई ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है ये पूरा एरिया। भाई भैया ने मुझे बिठा दिया बिल्कुल आगे यहाँ पे, और पीछे टेक लेने की भी मस्त जगह है, तो अभी हम पहुंचे नहीं है फ्लोटिंग विलेज, अराउंड 15-20 मिनट लगते हैं जहाँ से ये बोट लेते हैं, अभी तो 5-6 मिनट ही हुए हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बट पानी बहुत गंदा और भाई बहुत ज्यादा बदबू आ रही है पानी में से, मतलब रंग तो आप देख ही लो पूरा लिटरली ब्राउन काला काला सा हुआ पड़ा है, हालांकि बोट यहाँ पे बहुत दिख रही है। हेलो, सब ने इंजन लगा रखे अपनी अपनी बोट पे, अभी हमारे वाले भैया कुछ ठीक करने गए हुए हैं, अब शायद हो गया है, इन्होंने जस्ट अपनी आग के आगे बिठा दिया मुझे, तो दिख कैसे रहा होगा, ये जो इतनी सी जगह इतने से देख रहे हैं बस, तो जैसे ही आसपास से कोई बोट जाती है ना सारे अपना अपना इंजन बंद कर लेते, क्योंकि ना इंजन ऑन करने के बाद छींटे बहुत उड़ती है, और ये सब लोग ना भाई गांव के ही लोकल लोग है जो इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं अपनी अपनी बोट में। ये देखो ये क्या भाई मछलियां है क्या ये इतनी सारी, ओ भाई साहब देखना कितनी सारी मछलियां, जी बिल्कुल ऐसे खुले एरिया के बीचम बीच आ गए। वो सामने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको, वहां भी विलेज है, वो सामने सनसेट हो रहा है, बट यहाँ थोड़ा पानी उससे साफ लग रहा है पहले से, बट यार दूर दूर तक देखो वहां से जहां तक नजर आ रही है पानी ही पानी, पानी ही पानी है हर जगह भाई साहब, और हो सकता है भाई इन पानी में मगरमच्छ भी हो, क्योंकि जब क्रोकोडाइल विलेज था वहां पे तुनले साहब लेक का नाम है तुनलई लाभ करके, एंड दैट्स द विलेज वही है। अभी बीच में एक स्कूल भी आया था, अब सोचो बच्चों को यहाँ पे पढ़ने जाना होता है, तो भाई लिटरली हर रोज बोट से जाते हैं वो पढ़ाई करने प्राइमरी स्कूल में, फुटेज लगा दूंगा इसके ऊपर,
तो यहाँ पे चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, सब कुछ भाई फ्लोटिंग है, पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इनकी जो लाइफ स्टाइल है भाई वो क्या इंटरेस्टिंग है ना, मतलब रोज पानी से होते हुए हर जगह पे जाना पड़ता है। तो वहां तक चलेंगे भाई, इनको बोल दिया है, ये बोट्स वगैरह जा रही है। ये देखो भाई लिटरली लोगों के घर कैसे इतने बड़े पानी के बीच में, मतलब एक लौता घर ऐसे है, और सबके पास अपनी अपनी बोट्स है ताकि वो शहर तक जा सके, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी रोड कनेक्टेड नहीं है, ऑब्वियसली रोड है ही नहीं तो कनेक्ट कहाँ से करेंगे। तो जो होता है रूट पानी के थ्रू ही होता है। अब जैसे देख लो कुछ लोगों के भाई छोटे घर है, ये कितना सा घर है ना, और आगे देखो बड़ा है। अब ये वाला मैंने आपको दिखाया, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है भाई उस हिसाब से पूरा का पूरा। और ऐसे ही करते करते मेरे ख्याल से मोटा मोटा 25 से 30 मकान होंगे ऐसे बीच में भाई, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना इनके पास बिजली है ना इनके पास पानी है साफ, हेलो, क्योंकि भाई पानी तो बहुत है लेकिन ये पीने लायक नहीं है ना पानी। ड्रिंक चल रही है वहां, देखो भाई ओए होए होए। तो इस तरह से लोग इंजॉय करते हैं भाई। अच्छे लोग है भाई काफी। ये देखो ये सामने वाले घर में भी, बट यार इतनी गर्मी पड़ती है, यहाँ इतनी गर्मी है, बिना बिजली के रह कैसे रहे है, मतलब हमारी तो हालत भाई एसी के बिना खराब हो जाती है पंखे में भी, और यहाँ पे ना इनके पास पंखा है ना एसी है ना कूलर है, लाइट तक नहीं है। रात को भी ये अगर जलाते होंगे तो इमरजेंसी वाली लाइट जलाते होंगे जो चार्जिंग वाली होती होगी, वो भी चार्ज वहां से करके लाना पड़ता होगा। स्ट्रेंज भाई, मतलब कैसे रह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, हम जैसे लोग ना रह पाए बिल्कुल भी। अच्छा आप दिखाना भाई, ये कुर्सियां उर्सियां लगी है, टेबल कुर्सियां, मतलब ये रेस्टोरेंट है। तो लिटरली लोगों को जब ऐसे अपने फैमिली के साथ बाहर खाने आना है तो वो इस वाली बोट पे आके खाते है भाई। यार मतलब सही में अलग ही लेवल का वो है यहाँ पे, तो कैसी लाइफ स्टाइल है मतलब समझ नहीं पा रहा मैं बिल्कुल। से भाई इतना गंदा पानी है तो ऑब्वियसली मच्छर वगैरह भी बहुत यहाँ पे ऐसे बढ़ते होंगे और इनको काटते भी होंगे, तो कितनी बीमारियां स्प्रेड होती होगी यहाँ पे। बट हो सकता है इनकी बॉडी ने अडेप्ट कर ली हो वो सब चीजें रह रह के यहाँ पर, तो इतनी प्रॉब्लम ना भी हो, और हो भी सकती है। ये था भाई वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल है ये, लिखा भी हुआ है वहाँ पे, आप पढ़ सकते हो भाई। तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, नाम है चोंग प्रोले प्राइमरी स्कूल, देख रहे हो, मतलब लिटरली अगर उन वाले घरों से किसी को यहाँ पर पढ़ने आना हो तो बोट पे आना पड़ता है। ये देखो भाई बाकियों के घर तो आसपास ही है, जिनका ये घर होगा उनके लिए कितनी अच्छी बात है ना, स्कूल के साइड में ही रहते हैं बिल्कुल। भाई पूरा अंधेरा हो गया और इस तरह की ना टॉर्च ले रखी है हर एक बोट में हमारे वाले भैया ने भी, देखो तो ऐसे टॉर्च मारते हुए जा रहे हैं कि कोई किसी से टकरा ना जाए ताकि रस्ते में। मैं तो मस्त आराम से लेटा हुआ हूँ, कहाँ से लेकर गया भाई ये, अरे भाई थोड़ा तो गैप मेंटेन करो, इतने पास से कौन जाता है। वो जो शहर है भाई वहाँ तो प्रॉपर देख लो लाइटें वाइटें जली हुई है, लेकिन ये जितने भी घर है इन सब में वही है, बस इमरजेंसी वाली लाइटें जल रही है शायद से, और पूरा गुप अंधेरा हो गया भाई। मोबाइल में तो फिर भी थोड़ी रोशनी दिख रही है, आंखों से तो इतनी भी नहीं दिख रही। ये आईफोन भी गजब है भाई, ब्राइटनेस ना बड़ी बड़ा सी देता है, इतना अंधेरा हो रहा है जब भी रोशनी दिखा रहा है। चलो जी चलो, हम तो पहुंच गए हैं जहां से शुरू किया था, डेढ़ घंटे का था, दो घंटे तो नहीं भाई। अब ये भैया जो है अपना रस्सी वस्सी बांध देंगे और फिर हम एक बोट से दूसरी बोट पे होते होते ऊपर चले जाएंगे। बट यहाँ तो मार्केट भाई अच्छी खासी सज गई, देखना पहले तो कहाँ दोपहर के टाइम पे सुनसान सा था। चलो जी चलो लेट्स गो भाई, आ जाओ भाई सोनिका, थैंक यू, आओ भाई। लो जी अब कहाँ, अच्छा ये रहा डायरेक्ट ही। अब तो डेढ़ घंटा बोट में रह गए ना भाई, बदबू भी नाक में बैठ चुकी थी, अब तो बदबू आ ही नहीं रही है, शुरू शुरू में बहुत फील हो रही थी मछलियों की और गंदे पानी की। चलो बाकी इनको टिप दे देते हैं भाई, वो अपनी बोट सेट करके आ ही रहे हैं, ना आए तो वहीं जाके दे आओ, मैं इतने गाड़ियां ही ला रहा हूँ, जाओ चाबी दो, दे दो $5 है, $5 दे दो। ये देखो भाई अंडा रोल भी मिल रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या बनाएंगे भाई साहब, काफी चीजें मिल रही है, पूरी ही मार्केट लग चुकी है एकदम से, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हेलो हेलो यार, यहाँ पे ये चीज, व्हाट इज दिस, कैन यू शो भाई, ये पता नहीं मोमो जैसे बर्तन रख रखे हैं इन्होंने, अरे ये क्या, हाँ ओके ओके
थैंक यू। ये हमने भाई चाइना में भी खाया था, वो मतलब ब्रेड टाइप का ही है, सूखा भी खा सकते हो और किसी सब्जी के साथ भी। और भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी सही सलामत, मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा था भाई कहीं कुछ लोग उठपटांग ना कर दे, बट ठीक है सेफ है, चलो अच्छे लोग है यार, लेट्स गो भाई। आजो जी आजो सोनिका जी आजो आजो। हाँ मिल नहीं रहे, कहाँ गायब हो गए पता नहीं, दूसरी बोट में चले गए पता नहीं। ओहो चलो कोई नहीं, आओ फिर आओ, क्या पूछूं जिसने करा। कहाँ है वो बंदा, पर वो खुद रख लेगा, रहने दो छोड़ो, लेट हो रहा है। चलो फिर अब नहीं है तो और क्या कर सकते भाई, वो शायद दूसरी बोट बांधने चले गए होंगे। जी लो पहुंच गया वापिस से सियाम रीप, अभी आते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगा, जाते वक्त थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था भाई। यहाँ पे भाई अपने कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे दोपहर को, उनका यहीं पे इंडियन होटल और रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने हमें दोपहर में इनवाइट किया था कि रात को आना पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी बिल्कुल आ जाएंगे, हालांकि अभी अपने पास टाइम है नहीं, काम करना है हमें थोड़ा सा होटल जाके, बट अब किसी ने बुलाया हुआ तो भाई ऐसे मतलब ना जाना अच्छी बात नहीं है, तो चले जाते हैं भले ही थोड़ी देर के लिए जाएंगे, बट एक बार हो जाते हैं। और हो क्या आते हैं मतलब हाई क्या है, रहा सामने ही है रेस्टोरेंट, तो उन्होंने गाड़ी भी देखनी थी। एक भाई तो उनमें से दिल्ली से है जो शेफ है, यही है ना, ये पीछे रह गया, एक भाई तो दिल्ली से ही है शेफ और बाकी जो ओनर है वो साउथ साइड से है। तो जी ये होटल है आप सामने देख सकते हो, किसी को आना हो तो आ जाना। ये भैया है, अंदर सबसे मिलवाता हूँ अच्छे से आपको। दोपहर को मैंने यहाँ पे ना एक रोल खाया था, बड़ा टेस्टी था, मजा। कैसे हो भैया? तो ये ओनर है यहाँ के, वो कांगे भैया कांगे शेफ जो है, बुला दो उन्हें भी, बुला लो। भैया बता रहे आज से 20 साल पहले ना ये पूरा विलेज हुआ करता था, और अब देखो भाई कितनी डेवलपमेंट हो गई है, मस्त एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। ये देखो भाई इस तरह से रूम्स है, काफी बड़ा साइज है और दो बेड एसी वगैरह है ही। एंड कितने में दे रहे हो अभी आप ये वाला? अभी तो $18 में दे रहे हैं। $18 बताओ, और हमने $98 थ्री नाइट्स का पे करा, यानी $33, तो ऑलमोस्ट डबल पे करा है, जबकि रूम साइज इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है हमें पता नहीं था, अब जो लोग आएंगे उनको पता है। बुकिंग ऑनलाइन है आपकी? ऑनलाइन हर जगह है ना, वेबसाइट भी है। ठीक है हाँ तो भाई अच्छा है, नीचे ही आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, ऊपर स्काई बार मिलेगा, स्विमिंग पूल भी है, और क्या चाहिए। तो बस खाना वाना रेडी हो रहा है भाई, फटाफट करते हैं। ये सही है भाई, स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का, किचन भी है, चिमनी और इंडक्शन, फ्रिज, बाथरूम है ही, और ये डबल दो बेड लगे हुए हैं, एक यहाँ डबल एक वहाँ डबल, मतलब फैमिली रूम। ये कितने का? ये $35 में दे रहा था। $35 जितने में हमने वहाँ पे सिंगल रूम लिया, यहाँ ये ले सकते थे, किचन भी मिल रही है। वेबसाइट का नाम क्या है? snowwhatehotels.com। तो वहाँ पे ये प्राइजेस मिलेंगे ना सेम? ठीक है जी, थोड़ा सीजन के टाइम पे हो सकता है भाई प्राइस ऊपर हो, बाकी कभी नीचे भी हो सकता है, अभी तो हम मई के अप्रैल के महीने में है, तो अभी फिलहाल ये प्राइसेस चल रहे हैं। भाई साहब भैया ने तो इतना कुछ बना दिया। तो ये भैया है शेफ यहाँ के, क्या नाम है भैया आपका? अमित श्रीवास्तव। ये भैया दिल्ली से ही है, दिल्ली पश्चिम। तो इतना सारा खाएंगे कैसे? मुंह से खाएंगे तो मुझे पेट भी तो होना चाहिए इतना बड़ा। चलो चलो, दोपहर को हमने रोल खाया था वो तो एक नंबर का था, आपने ही बनाया था वो भी? हाँ, बढ़िया था भाई, वो तो देख के ही लग रहा होगा आपको, पता चल गया होगा कि भाई खाना टेस्टी है। ये पूरी है भाई साहब? ये पापड़ है, साउथ। अच्छा पापड़, पूरी जैसा लग रहा था सेम। सही है। ये देखो भाई ये वही गली है जो मैंने आपको दोपहर को दिखाई थी, और इस टाइम पे मस्त कितनी चहल पहल हो चुकी है भाई। खाना वाना खा के भाई निकल गए हैं, काफी मस्त खाना था, मजा आ गया। अब चलते हैं अपने होटल और काम वाम निपटाते हैं। चलो भाई होटल वापस आ चुके हैं, आज तो बहुत ज्यादा थकान हो गई वहाँ टेंपल में चलने फिरने में।